प्रिय छात्रों, जैसा कि अभी तक आप लोग पद पढ़ रहे थे, तो हम गद्य की ओर चलते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार आज हम पढ़ते हैं डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय, हिंदी गद्य के लेखक हैं ये डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय। तो सबसे पहले उनका पाठ का नाम है अजंता। तो सबसे पहले उनका संक्षेप में जीवन परिचय करते हैं। पुरातत्व कला के पंडित, भारतीय संस्कृति के प्रचारक डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारपुर गांव में 1910 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम था रघुनंदन उपाध्याय, इनकी मां का नाम था महादेवी। बचपन से बहुत होनहार छात्र थे और ये इन्होंने भारत के जो प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का विशेष अध्ययन किया और इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया, जो कि इतिहास पे एक अच्छी पकड़ थी, इतिहास के एक अच्छा ज्ञाता थे हुए बाद में। और इस तरह भारत के बिड़ला विश्व महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर भी कार्य किया और ये बहुत से रचनाएं लिखे और बहुत से पदों से सम्मानित हुए और ये इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो इस प्रकार है। विश्व रचना से पहले इनका एक और जान लें, 12 अगस्त 1968 को यह पुरातत्व का कला का पंडित का निधन हो गया। रचनाएं हैं विश्व साहित्य की रूपरेखा, पहली रचना विश्व साहित्य की रूपरेखा, विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन, साहित्य और कला, इतिहास साक्षी है, ठूठा आम, कलकत्ता से पीकिंग, इंडिया इन कालिदास, इंडिया इन ऋग्वेद, बीमेर इन ऋग्वेद, लाल चीन, गंगा गोदावरी, इतिहास के पन्नों पर, सागर की लहरों पर। और इनके जो चर्चित रचना है ठूठा आम, खून के छींटे, कुछ फीचर, कुछ एकांकी, इस प्रकार इनकी ये सब रचनाएं हैं। इस तरह इनकी भाषा शैली जो थी डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय जी की भाषा संस्कृत निष्ठ सुबोध खड़ी बोली थी। इनकी शैली जो थी वर्णात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, चित्तात्मक शैली, भावात्मक शैली। इस प्रकार इन्होंने पूरा तत्व विभाग का पूरा सर्वे करते थे, ये इनकी रचनाएं हैं। एक गद्य का नाम है अजंता। अजंता जो है बड़े सुंदर, लगभग 28 गुफाएं हैं जो कि गोबर, गिरुआ, ये सब तमाम रंगों से भरे हैं, जो कि कलाकारों की के हाथों से, कलात्मक हाथों से सजी हुई है, जिसमें मेजर रॉबर्ट गिज चित्रकार 1947 में ईस्ट इंडिया इंग्लैंड सरकार के अनुमोदन में वे यहां आए थे। और एक सुंदर, इसका शुद्ध नाम पहले अजंता था, शुद्ध उच्चारण और सरल तरीके के लिए, आसानी के लिए से अजंता कर दिया गया। तो सबसे पहले चलते हैं इसके प्रश्नों पर। प्रश्न अभ्यास पहला, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने की चाह के लिए
आदमी ने पहाड़ काटा, किस तरह इंसानियों की खूबियों को कहानी सदियों बाद अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने उपाय सोचे। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों की मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही। जो हमारी अमानत विरासत बन गई। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक महोदय कहते हैं कि अपने जीवन को मौत के चंगुल से मुक्त कर उसे अमर बनाने की चाह मनुष्य अनादि काल से करता चला आ रहा है। जैसा कि एक शब्द है इसमें, जिंदगी के मौत पंजे से उन्हें मुक्त करने के लिए। अमर माने मनुष्य नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, मनुष्य चाहता कि हमेशा जीवित रहूं। तो यही लेखक महोदय कह रहे हैं कि अपने जीवन को मृत्यु के चंगुल से मुक्त कर उसे अमर बनाने की कामना इच्छा मनुष्य अनादिकाल से करता चला रहा है। इसके लिए वह कामना ही नहीं करता, केवल कामना ही नहीं करता, वरन इसके लिए अथक निरंतर प्रयास करता चला आ रहा है। मनुष्य ने अपने शरीर को तो अमर नहीं बना सका, किंतु अपने अविस्मरणीय बलों को अमर बनाने में अवश्य सफल हुआ है। इसके लिए मनुष्य ने अदम्य साहस के द्वारा पर्वत की गुफाओं को काटकर उन्होंने अपने जीवन के उन पलों को उकेर कर उसे सदा के लिए चित्रांकित कर दिया, उसे अंकित कर दिया, अपने कलात्मक हाथों से सजा दिया, पर्वत पर रौनक बरस गई। इसके लिए मनुष्य ने अपने आने वाली सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों को परिचय कराने के लिए अपनी विशेषताओं, कलात्मक विशेषताओं की कहानी को सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों को परिचय कराने के लिए ठोस कठोर चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तमाम पत्थरों को काटकर उसने संदेश खोदा, तमाम टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे धातुओं से चिकने पत्थर खड़े किए और पीतल के पत्थरों पे अक्षरों की मोती बिखेरा। मोती बिखेरा ना माने लिखना, स्वर्णिम अक्षरों पे लिखना, जीवन मरण की कहानी सदियों बाद आए अपनी पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए तमाम खूबसूरती तरीके से सुंदर सुंदर अक्षरों से उन्होंने वहां पर खूबसूरती के साथ अक्षर के मोती बिखेरा और जो आज हमारी अटूट विरासत है। अमानत विरासत माने अटूट हिस्सा संस्कृति का। तीसरा है इसमें, इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन सी युक्तियां सोची। तो देखिए, इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने उसने कठोर चट्टानों पर अपने संदेश खोदा, अदम्य साहस के साथ छीनी और हथौड़ी के कलात्मक द्वारा उन्होंने अपने अक्षरों को लिखा, तमाम टेढ़े मेढ़े धातुओं से चिकने पत्थर खंभे खड़े किए, स्तंभ खड़े किया और सुंदर तांबे और पीतल के अक्षरों से मोती बिखेरा, एक सुंदर संदेश लिखा, नामकरण किया और अपने सदियों बाद आने वाली जीवन मरण के सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए अपने नाम को अपने कलाओं के द्वारा अमर कर दिया। आज
हमारी जो कि अमानत हिस्सा है, जो कि लेखक महोदय 1910 में जन्म लिए और 12 अगस्त 1982 को मृत्यु हुआ, और इसके बावजूद भी आज तक हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सब पीढ़ी हम लोग उसको समझ रहे हैं। इस प्रकार एक पहला अभ्यास प्रश्न हुआ। खा है और जैसे संगसाजों ने उन गुफाओं पे रौनक बसाई, चितेरे जैसे रंग और रेखा दर्द में दया की कहानी लिखते गए, कला मच्छीनी से मूर्ते कुभारते कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पे कुदरत का नूर बरस पड़ा है, प्रकृति भी वहां थिरक उठी है, बंबई अब बंबई की सूबे में बंबई, हैदराबाद के बीच विद्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वत मचाओं से निचौनों का पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला जाता है, जिसे सामाद भी कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सराद कहते हैं। पहला है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य से संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। नंबर दो, गद्यांश के रेखांकित असली व्याख्या। अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसे लगता है कि पत्थर को सजीव बनाने वाले कलाकारों ने यहां सौंदर्य की वर्षा कर दी हो। लेखक महोदय प्रस्तुत गद्यांश में लेखक महोदय कहते हैं कि अजंता का जो विश्व का अद्वितीय स्थान, एक अपना अनुपम स्थान, विशेष स्थान, अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसे लगता है कि पत्थर को सजीव बनाने वाले कलाकारों ने सौंदर्य की वर्षा कर दी हो, पत्थर को सजीव बना दिया हो। ऐसे मूर्तिकार चितेरे चितेरे वाले कलाकार जो होते हैं, चित्रकार, चित्रकारों ने पत्थर को इस प्रकार तराशा, पत्थर को ऐसे तराश रहे थे कि अपनी छेनी और हथौड़ी से पत्थरों में प्राण फूट दिया, जान लगा दिया और उस गुफाओं को सजीव कर दिया, चित्रवान कर दिया। कलाकारों ने अपनी तुलिका से, हाथों की तुलिका के द्वारा रंगों से दया, दर्द, पीड़ा के भाव, उसके जो भाव थे उसे चित्रांकित कर दिया, उस भाव को अंकित कर दिया। और अजंता की जो गुफा थी ऐसे सुंदर, उसके साज सज्जा से कलाकारों ने इस प्रकार से सजाया कि वहां का पूरा दृश्य ही इतने मनोरम प्रतीत होने लगे कि देखने के बाद ऐसे आभास होता है, ऐसे महसूस होने लगता है कि मानो जैसे प्रकृति यहां पर स्वयं या नेचुरल प्रकृति नृत्य कर रही हो, वह नाच रही हो। प्रकृति का ऐसा सुंदर दृश्य, ऐसा मनोरम स्थान को देखकर यहां लगता है कि यह प्रकृति नृत्य कर रही हो। बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब दौड़ती पर्वत चारों से पहाड़ों का सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला जाता है, जिसे सहाद्य कहते हैं। ऐसा अजंता की गुफा है, ऐसी जंजीरे हैं, ऐसे प्रकृति है कलाकारों के द्वारा, ऐसे चित्रकारों ने इसे सजा दिया है कि मानो जैसे बीच का जो स्थान है जिसे सहाद कहते हैं, ऐसे लगता है कि सनात हो गया हो, जिसका कोई नहीं था वहां पर, सनात सुंदर वह प्रकृति से बिल्कुल भरपूर हो गया हो, इतने दिव्य इतने मनोरम स्थान थे। तीसरा है अजंता की मूर्तकला की कौन सी विशेषताएं इस गद्यांश में बताई गई है। तो है अजंता की मूर्तकला की ये विशेषता लेखक महोदय ने बताया है कि यहां मूर्तिकारों ने ऐसे रंगों का प्रयोग किया है कि उसके दुख, दर्द और दया के भाव सजीव हो गए, मानो ऐसे ऐसे चित्र, इतने सुंदर मनोरम चित्र हैं, वहां की ऐसे गुफा हैं, ऐसे गुफा की जो बनावट है एक अनूठा मिसाल है, वहां अपने में एक अनूठा मिसाल है, सौहार्द की मिसाल कायम किया कलाकारों चित्रकारों ने, और वहां के जो स्थित थे बन थे बाघ, जिन्होंने खड़िया मिट्टी से काटा, वह सुंदर दृश्य है
बड़े मनोरम प्रतीत होते हैं, ऐसी विशेषता है वहां की। ऐसे ऐसे चित्र अंकित है कि मानो वह जीते जागते प्राणी हो। यही लेखक महोदय ने इसमें विशेषता बताया है। ये तीन आपके हो गए, अगले बार।